देखिए केसारी जी के लिए तो एक ही लाइन बनती है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। ये मेरी फिल्म नहीं है, ये तो खेसारी लाल यादव की फिल्म है, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा की फिल्म है। तो इस पॉजिटिव नोट पर वो नहीं रहते। और भैया अब बात आस्के की कर लेते हैं। आस्के सुपर डुपर हिट हो रही है बिहार में, पूरे बिहार में, बल्कि यूपी छोड़ के सिर्फ, क्योंकि यूपी में रिलीज नहीं हुआ। सबसे पहले तो जिस तरीके से गंगा स्नान कराया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है पोस्टर के ऊपर, उसके ऊपर क्या पराग पाटिल का क्या स्टाइल में वही अंदाज में होना चाहिए, जरा क्या मैसेज होना चाहिए इस तरीके से खेसारी लाल यादव को जब करते हैं? देखिए केसारी जी के लिए तो एक ही लाइन बनती है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। वह है केसारी लाल यादव। हमेशा से उन्होंने अपने ऑडियंस को, अपने प्रतिद्वंदियों की चुनौतियों को हमेशा से एक पॉजिटिव वे में लिया है, फाइट करके सामने आए हैं। फिर उनके साथ उनकी टीम बनकर जो भी जुड़ता है वो भी उसी ग्राफ में आगे बढ़ता है। तो आशिकी के लिए और आशिकी के पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे निर्माता प्रदीप के शर्मा, जिन्होंने एक अच्छी सिनेमा का मुझको हिस्सा बनाया, मुझे डायरेक्शन करने का मौका दिया। फिर इसके बाद केसारी जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी कहानी दी। मेरे राइटर राकेश त्रिपाठी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा उसको डेवलप किया। और सबसे ज़्यादा अम्रपाली दुबे जी का, जो एक चमत्कार के रूप में आशिकी से जुड़ी और उसके बाद में आशिकी आशिकी हो गई और दर्शकों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से लिया, तो उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ और बहुत ज़्यादा ओब्लाइज्ड हूँ मेरे दर्शकों का। बस यही कहूँगा कि धन्यवाद, और पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा पे यूं ही प्रेम बरसाते रहिए, केसारी लाल यादव और पराग पाटिल की जोड़ी को यूं ही प्यार करते रहिए। लास्ट सवाल भी है, 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने फेसबुक या इंस्टाग्राम, जितने भी तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, उस पर किसी स्टार का या फिर किसी प्रोड्यूसर का या किसी डायरेक्टर का अभी तक कॉन्ग्रेचुलेशन एक मैसेज नहीं आया है। खेसारी लाल यादव की फिल्म हिट होती है तो क्या इंडस्ट्री की फिल्म हिट नहीं हुई है? ये ही सबसे बड़ी विडंबना है हमारे इंडस्ट्री की, कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ें अगर कहीं से हो रही है तो वो लोग इस पॉजिटिविटी को बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पर रखते हैं या इंडिविजुअल लेवल पर समझते हैं कि ये मेरी फिल्म नहीं है, ये तो खेसारी लाल यादव की फिल्म है, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा की फिल्म है। तो इस पॉजिटिव नोट पर वो नहीं रहते और ये नहीं समझते कि एक फिल्म अगर चलती है इस माहौल में, इस कोविड के बाद में, यह अच्छा रिस्पांस आता है तो वो रिस्पांस हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए है। बस इस बात को अगर कोई समझ जाए, कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मुझे आशिकी के लिए बधाई दी, उसमें से एक निर्देशक हैं देव पांडे जी, लाल बाबू पंडित जी, बाकी पता नहीं, सारे लोग शायद से व्यस्त हों अपने अपने काम में और उसके वजह से भी वो भूल गए हो। बट हमें ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल किसी की फिल्म के बतौर कोई निर्देशक कोई निर्माता ना देखे, ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की जीत है कि कोविड के बाद में मल्टीप्लेक्सेस में बड़े बड़े बॉलीवुड के सिनेमा आ रहे हैं उस पर भी इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा है और हमारे आशिकी को इतनी अच्छी ओपनिंग मिली, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री का दर्शक आज भी ज़िंदा है। इस बात को हमको ख्याल रख के सिनेमा बनाना पड़ेगा, अच्छा सिनेमा देना पड़ेगा, तभी दर्शक सिनेमा घरों में आएंगे। लास्ट, जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखा दर्शकों ने, उनके लिए क्या मैसेज आप कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जाइए आशिकी को देखिए, हमारे भोजपुरी परिवार को, हमारे भोजपुरी सिनेमा को ज़िंदा रखिए। यकीन मैं आपको दिला रहा हूँ कि केसारी लाल यादव और पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा की और आम्रपाली दुबे और प्रदीप के शर्मा जी की आशिकी आपको बेहद पसंद आएगी, एक बार सिनेमा घरों में जाकर ज़रूर देखिए।
थैंक यू भैया, थैंक यू।